हमने आज महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर दिवस पर हमने शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से निवेदन किया है कि सरकार गुंगी बेरी और ना समझे ना बने। हम एडिशनल दारी लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं विधायकों से, मंत्रियों से कि हमें तत्काल नियुक्तियाँ दी जाए, क्योंकि ये एडिशनल से चयनित अभ्यर्थी जो 5 साल लगातार तैयारी करने के बाद जिसमें एक रीट भर्ती रद्द हो गई और उसके बाद पात्रता पास किया, मेंस को पार किया, कट ऑफ पार किया, डॉक्यूमेंट करा लिए और अंततः जब इनको नियुक्तियाँ नहीं मिल रही है तो ये जो चुनाव आएगी उसमें ये अभ्यर्थी आपके सामने खड़े मिलेंगे, हर विधायक के सामने खड़े मिलेंगे, मंत्री के सामने खड़े मिलेंगे। अगर सरकार हमें 5-4 दिन में अगर नियुक्ति आदेश नहीं निकालती है तो मैं सरकार को सीधा चेताता हूँ कि इनका मैं संगठन बनाऊँगा और सरकार के सामने हर विधानसभा में जाऊँगा, 500-600 लोगों को लेकर हर विधानसभा में विधायक के सामने मुश्किल खड़ा कर दूँगा। ये मैं सरकार को आश्वस्त भी करता हूं, अगर हमें नियुक्तियां मिली तो यही अभ्यर्थी आपके साथ खड़े मिलेंगे और गहलोत जी की जय जय बोलेंगे। हमने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन किया। हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएं, क्योंकि सरकार ने जब हमें भर्तियां निकाल के हमें एग्जाम में बैठाया और पद अच्छे पद दिए, तो हम नहीं चाहते कि एक बार हम सरकार को सांकेतिक प्रदर्शन करके भी हम सरकार को चेता दें और हमें नियुक्ति मिल जाए। अगर पिछली सरकारों ने हमें नियुक्तियां दिए, कोर्ट में केस आज 10 साल से चल रहा है, उसके बाद 2016 में नियुक्तियाँ मिली, 18 में मिली, 21 में मिली, जब 23 में क्यों नहीं मिल रही है, कौन इसमें रोड़ा पसा रहा है, ये मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 1500 परिवारों का मामला है, 1500 परिवार के रिश्तेदारों का मामला है, क्योंकि ये जो टीचर भर्ती की तैयारी करने वाला बंदा आज एक साल से 6 महीने से तैयारी करता, 5-5 साल तैयारी करता है, कई परिवारों ने जमीन बेच दी, गिरवी रख दी, जवाहरात गिरवी रख दी और बहुत सारे मुश्किल घड़ियों में इन्होंने तैयारी की है। सरकार इस बात को समझे, पीड़ा को समझे और जल्दी नियुक्ति आदेश निकाले। मैं अपने एडिशनल धारी भाइयों की तरफ से सरकार के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर अशोक गहलोत जी इतनी सारी स्कीम चला रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बट क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इस एडिशनल धारियों में कई महिला भी ऐसी हैं जो कई तो डाइवोर्सी भी है, कई वीडो भी है, कई हैंडीकेप भी है और इवन भाई लोग हैं वो भी इतने दिनों से तैयारियां कर रहे हैं, तो इतने ऊपर ओहदे पे बैठे लोगों को 4 लोग मिलके हम इतने हजारों लोगों के लिए फैसला कर जाते हैं कि ये डिग्री वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड नहीं है तो सरकार इसको करा क्यों रही है, और करा रही है तो फिर सरकार इसको जब नियुक्ति पे आ गए बच्चे तो उनको नियुक्ति दे क्यों नहीं रही है। मेरी हम स्पेशली सरकार से कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती के पावन अवसर पर हम सभी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में सभी एडिशनल साथी शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए यहाँ पर हमारी एडिशनल नियुक्ति मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि सीएम साहब ने आज ट्विटर के माध्यम से बताया था कि गांधी जी की सत्य के साथ प्रयोग जो पुस्तक है वो सभी युवाओं को पढ़नी चाहिए और उसके साथ अपने जीवन में बदलाव लानी चाहिए, उसी को फॉलो करते हुए हमने यहाँ हम ये मांग कर रहे हैं कि जब से एडिशनल चली आ रही है, हम यूँ कह सकते हैं कि 70 सालों में कभी किसी एडिशनल धारी को नियुक्ति से रोका नहीं गया। जैसे कि लेटेस्ट हम बात करें 2016 और 2018 में स्टाम्प लेकर हमें नियुक्ति दी गई थी एडिशनल डिग्रीधारियों को, वैसे ही हमें भी नियुक्ति दी जाए, जबकि इस बार हम 2 बार परीक्षा देकर फिर 2 गुणा में फिर 1 गुणा में कट ऑफ में जो मेरिट है उससे कई अंक ज़्यादा होते हुए भी हम इस नियुक्ति से वंचित रह रहे हैं। ये आपके राज्य की सरासर अन्याय है। हम आपसे केवल और केवल यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा नियुक्ति आदेश आप जारी करवाकर हम सभी बेरोजगार एडिशनल 1500 परिवारों के साथ न्याय कीजिए। ये सभी आने वाले विधानसभा चुनावों में आपका खुलकर समर्थन करेंगे और आपको भारी मतों से विजय बनाएंगे। यदि आप हमारे साथ ऐसा नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं हमको फिर सोचना पड़ेगा। अतः आपसे यही निवेदन है कि माननीय जननायक मोदी जी कि हम सभी 1500 से 2000 के बीच जितने भी एडिशनल परिवार हैं उनको खुशियां दीजिए। सभी को आप खुशियां देते आए हो। आपका एक जो कथन है कि मुझसे मांगते मांगते आप थक जाओगे लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा, तो आपसे हमारी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमें भी वो खुशी दे दीजिए। हमारा हक है कि हम मेरिट में आए हैं सर्वोच्च अंक ला के, तो हमारे जल्दी से जल्दी नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके 3 प्रमुख सिद्धांत जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, जिन तीनों का प्रमुख आधार धैर्य है, तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार इन युवा एडिशनल ग्रेजुएट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि अगर ये युवा जब तक धैर्य के बल पर अपनी बात रख रहा है, जब तक सरकार को अपनी बात सुननी चाहिए, नहीं तो जिस तरह से 16 और 18 वाले प्रकरण में युवाओं को
केवल रीट पात्रता परीक्षा के आधार पर सेलेक्ट किया गया, न केवल सेलेक्ट किया गया बल्कि उनके लिए सरकार ने अपनी ओर से पैरवी करते हुए उन्हें पूरी तरह से ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल रखा, उन्हें ज्वाइनिंग दिलाई। तो इस बार सरकार इन 2023 वाले 22 की भर्ती में जो अपनी दो दो बार अपने क्षमता को साबित किया है मूल पेपर में पात्रता परीक्षा में, तो उनको सरकार पात्रता परीक्षा के आधार पर और मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद भी अगर मुख्य चयनित सूची से बाहर कर रही है तो ये हम लोगों के साथ पूरा तरह से अन्याय हो रहा है। और हमारी आज गांधी जयंती पर सरकार से यही गुजारिश है कि इस अन्याय के खिलाफ जब तक हम इस सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहे हैं तब तक हमारे को पूरी उम्मीद है इस गहलोत सरकार से कि ये गांधीवादी विचारों में और गांधीवादी सिद्धांतों पर पूरा विश्वास करने वाली सरकार है और हमें इसी सिद्धांतों से हमारे को सरकार अपनी हमारी बात हम सरकार तक पहुंचा पाएंगे और हमें हमारा न्याय मिलेगा। सर, ये एडिशनल विषय से हमने बीए के 3 साल करने के बाद में 1 वर्ष का एक्स्ट्रा 34 साल में बीए एडिशनल किया, उसके बाद पात्रता परीक्षा पास की और हमने विषय वाइज एग्जाम पास किया जो 2022 में इस बार सब्जेक्ट वाइज एग्जाम कराया है, हमने सब्जेक्ट वाइज एग्जाम पास किया और फिर हमें नियुक्ति प्रक्रिया में डिले किया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 16 और 18 में सेम नियुक्ति दी जा चुकी है, हमने विश्वविद्यालय से ये आरटीआई के थ्रू कन्फर्म किया है कि एडिशनल विषय और सामान्य विषय जो कर रहे हैं उनमें कोई अंतर है क्या। लिखित में विश्वविद्यालय ने जवाब दिया है कि दोनों की समान विषय मान्यताएं हैं, किस तरह का अंतर नहीं है। इस संदर्भ में हम सरकार से गुजारिश करते हैं जो संस्था एडिशनल डिग्री करा रही है वो ये बात कह रही है कि दोनों एक ही मान्यता रखते हैं, किसी तरह का अंतर नहीं है और हमने उसके बावजूद विषय का एग्जाम दिया। इस बार सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का अलग, जिस तरह सेकेंड ग्रेड में होता है, हमने सब्जेक्ट का एग्जाम पास किया है और कट ऑफ में ज्यादा नंबर लेके आए, फिर हमारी नियुक्ति को रोका हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं इसको विचार करते हैं, जल्द जल्द नियुक्ति दी जाए। 2 अक्टूबर को पूजनीय महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं महिपाल सिंह झुंझुनू जिले से भूतपूर्व सैनिक और मेरे साथी गण होने वाले भविष्य के मतलब अध्यापक गण उपस्थित हैं। आज जैसा कि सीएम गहलोत साहब ने युवाओं को संदेश दिया वैसा ही हम संदेश मतलब शांति और धैर्य पूर्वक अपनी बातें रख रहे हैं। हमारा कहना तर्क ये है, हमने मतलब जो बीए की डिग्री है वो 4 साल में ली है और जो सामान्य व्यक्ति है वो 3 साल में डिग्री लेकर के उसको नियुक्ति मिली हुई है, जिला आवंटित किया गया है। एक तरफ से विश्वविद्यालय हमारी डिग्री को मान्यता देता है, दूसरी तरफ से हम सिलेक्ट होने के बाद में सारी पात्रताएं रखने के बाद में हमारे को अमान्य या प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाता है। ये सरासर हमारे साथ में अन्याय है और इससे पहले भी 2016 और 2018 में इन सेम विषय वालों को नियुक्तियाँ दी गई हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा नम्र निवेदन है कि हम सभी को नियुक्ति दी जाए और इतने परिवारों के साथ में हमारी आपकी संवेदनात्मक भावात्मक सारी योजना आपके साथ में जुड़े हुए हैं और तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। देखिए, पहले तो मैं गहलोत सरकार को मेरा नमस्कार और मैं गहलोत सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आज 2 अक्टूबर में जो हमें यहाँ प्रदर्शन किया है, हम ये जो लोग बैठे हैं, ये कारण है एक एडिशनल डिग्रीधारी जो एग्ज़ाम देकर 2023 रीट में और जो कट ऑफ से अच्छे नंबर लाकर हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मेन कारण यह है कि हमें नियुक्ति दी जाए। देखो, हमने ये गहलोत सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे 2016 और 2018 के अंतर्गत जब लोगों ने आपने जो नियुक्ति दी मतलब पिछली स्टूडेंट्स ने तो वो भी एडिशनल थे, लेकिन फिलहाल इस टाइम में हमने जो एक सब्जेक्ट का पेपर दिया था 2016 में 2018 में जिस प्रकार जो भर्ती चली थी उससे अच्छे स्तर पर 2021 में हमें एग्जाम दिया वो रद्द हो गया। उसके बाद में हमने 2022 में पात्रता दी, पात्रता को अच्छे से क्लियर किया, फिर उसके बाद हमने मेंस क्लियर किया। मैं गोला सरकार से ये कह रहा हूँ कि हमारा भी परिवार है, घर है, लोग हैं, हमें भी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, मानसिक प्रताड़ना से हम पीड़ित हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें और हमारा जो मानसिक तनाव वो कम करें ताकि हमें खुशियाँ मिले। अगर आप हमें खुशियाँ दे देंगे तो हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम जो 2000 परिवार हैं, एडिशनल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने हमें निराश कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको भी निराशा हाथ लगेगी और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भी एक जीवन है, हमें भी एक जीने का अधिकार है, हमें भी एक योग्यता है जो हमने आपके सामने रखा और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ फिर कि हमारी सुन लो, हम बहुत दुखी हैं, हमारा परिवार है, घर है, लोग हैं, मतलब जितना हम हो सकेंगे हम आपका साथ देंगे ताकि आप हमारी सुन लो। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और बाकी जो दुखी हैं तो आप तो देख रहे हो, गहलोत सरकार से मैं कह रहा हूं कि आप हमें
नियुक्ति दो और खुशियाँ दो। बिना नौकरी कौन देगा, तो हमें वोट भी कौन देगा।